मार्च के महीने को शुरू हुआ पहला हफ्ता बीत चुका है और मौसम में ज्यादा फर्क अभी पड़ा नहीं, या फिर यूं कह लीजिए कि दिन में तो तेज धूप होती है जिससे लोगों को थोड़ी राहत मिलती है, लेकिन सुबह और शाम में अभी भी ठंडी हवाओं का एहसास होता है जिससे पता चलता है कि अभी भी सर्दी गई नहीं है। उत्तर पश्चिम और मध्य भारत में दिन और रात का तापमान अगले 24 से 48 घंटों तक सामान्य से नीचे रहेगा और उसके बाद इसके बढ़ने की उम्मीद जताई जा रही है। तो वहीं दिल्ली NCR में बारिश का अनुमान जताया गया है और इसी के साथ आइए जानते हैं देश भर में मौसम कैसा रहने वाला है। सबसे पहले बात करें दिल्ली NCR की, तो मौसम विभाग की माने दिल्ली में आज न्यूनतम तापमान 9 डिग्री और अधिकतम तापमान 25 डिग्री दर्ज किया जा सकता है। इसी के साथ दिल्ली में आंशिक तौर पर बादल छाए रहेंगे। आने वाले दिनों में देश की राजधानी दिल्ली में अधिकतम तापमान में बढ़त देखने को मिल सकती है। बारिश के संकेत क्यों हैं ये भी आपको बता दें। दरअसल उत्तर भारत के कई राज्यों में इस वक्त बारिश हो रही है, अब एक बार फिर से धूप खिलने लगी है, लेकिन आने वाले दिनों में उत्तर भारत के पहाड़ी राज्यों में एक बार फिर मौसम करवट लेगा। भारत मौसम विज्ञान विभाग यानी कि IMD के अनुसार 10 मार्च की रात से पश्चिमी हिमालय क्षेत्र में वेस्टर्न डिस्टर्बेंस 10 तक देने वाला है, जिसकी वजह से जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल, उत्तराखंड में 10 से 12 मार्च के बीच बारिश और बर्फबारी की आशंका जताई गई है। साथ ही जम्मू, हिमाचल, उत्तराखंड में 7 मार्च को बारिश और बर्फबारी होने की बात कही है। इसके अलावा बाकी राज्यों की बात करें तो उड़ीसा में भी आज से 9 मार्च, हिमालय पश्चिम बंगाल और सिक्किम में आज और कल हल्की बारिश होने के संकेत हैं, और इसके अलावा अरुणाचल प्रदेश में अगले 5 दिनों तक बारिश का अनुमान लगाया गया है। इसी के साथ अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो यहां की राजधानी लखनऊ में आज न्यूनतम तापमान 12 डिग्री और अधिकतम तापमान 26 डिग्री दर्ज किया जा सकता है। इसी के साथ लखनऊ में आज आसमान साफ रहने के आसार हैं। 8 मार्च यानी कि कल लखनऊ में आसमान साफ रहेगा। मौसम पूर्वानुमान एजेंसी SkyMet की माने तो आज उत्तरी उड़ीसा, दक्षिण केरल में कुछ स्थानों पर हल्की फुल्की बारिश की आशंका जताई गई है। उत्तर पश्चिम और मध्य भारत में दिन और रात का तापमान अगले 24 से 48 घंटों तक सामान्य से नीचे रहने वाला है और उसके बाद ही इसमें बढ़त होनी शुरू होगी। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। खबरों में बने रहने के लिए देखते रहिए वन इंडिया हिंदी।